करनाल के सिंगड़ा गांव से लेकर विदेशों तक इस समय मातम छाया हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन में सिंगड़ा नानक सर गुरुद्वारे के प्रमुख संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है। अब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक से लेकर तमाम बड़े बड़े पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर व विक्रम मजीठिया करनाल के सिंगड़ा गांव में नानक सर गुरुद्वारे के प्रमुख संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। काफी समय उन्होंने यहां पहुंच अलग अलग गुरुद्वारों के प्रमुखों से बातचीत की और सांत्वना दी। सुखबीर और हरसिमरत के निशाने पर सरकार थी, दोनों ने जमकर सरकार को कोसा। सुखबीर बादल ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि सरकार को किसानों का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे सेंटर के अहंकारी प्रधानमंत्री को यह सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा, यह सब क्यों समझ नहीं आ रहा, बाबा की शहादत बड़े दुख की बात है। वहीं हरसिमरत कौर ने कहा कि बाबा जी की यह कुर्बानी है सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की परवाह नहीं है। वहीं SYL के मुद्दे पर हरियाणा के विधायक और सांसद जो लगातार कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर हरसिमरत कौर ने कहा कि ऐसे लोगों की इंसानियत मर गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबा संत राम सिंह की मौत का दुख सभी को है, लेकिन राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी से लेकर सुखबीर बादल तक हर कोई केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। देखना होगा कि किसानों को लेकर बाबा की तरफ से उठाया गया कदम क्या समाधान का एक रास्ता बनेगा, ये बड़ा सवाल है। इंसान महापुर जिन्होंने सारी जिंदगी संगत नूं गुरु दे लड़ जोड़िया, सारी जिंदगी सेवा कीती, जदों दा किसान अंदोलन चल रहा है लगातार उत्थे सेवा करदे सी, हर दूजे तीजे दिन उत्थे जांदे सी, संगत विच बहिंदे सी, ते उहनां दे मन विच बहुत ही ज़्यादा दुख सी कि जो किसान देश दा अन्नदाता है, जिन्हें देश नूं भुख तों मिटाया, जिहड़े किसानां ने पूरी जिंदगी तूफान झखड़ दा सामना करके देश नूं कोने कोने च अन्न भेजिया, उही अन्नदाते दी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। पिछले 3 महीने तो अन्नदाता संघर्ष कर रहा, उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं होया ते उन्होंने उत्थे जाके शहादत दे दी। एक महापुरख ने शहादत दी, देखो किड्डी वड्डी गल है। मैनू हैरानगी है, दुख है कि सेंटर दा हंकारी प्रधानमंत्री हले तक समझ नहीं आई। इस संघर्ष विच पिछले 20 दिनों च तकरीबन 30 लोगों ने शहादत देती है, पर सेंटर की सरकार नूं कोई फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं। सरकार एक माँ बाप होंदी है, बच्चों का दुख समझ नहीं रही। ये तो माड़ी गल की हो सकती है, ये तो बुरी सोच की हो सकती सेंटर सरकार, कि वो सोचते हैं कि किसानों को असं दबा देंगे, कुचल देंगे। आप किसानों ना कोई दबा सकता ना कुचल सकता। अंदोलन की जी वड्डी गल है, जिहड़े हुण कोशिश हो रही है, सब तो माड़ी गल है जिहड़ी कोशिश हो रही है कि इस अन्नदाता नूं बदनाम करन दा, कि आ टेररिस्ट है, आ दूजे है। हुण मतलब ऐसी गल्ला कहंदे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री SYL के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन वो प्रपोजल भेजा गया था, सरकार जो है अमेंडमेंट्स करना चाहती है, लेकिन कृषि कानून को रद्द नहीं करना चाह रही, किसान अड़ा है कि वो बिल को रद्द करके ही छोड़ेंगे। सरकार का मकसद क्या है कि कानून बनाए जो आम जनता को पसंद हो और फायदे के लिए हो। अगर ये जनता किसान जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है जो कानून नहीं चाहते, तो आपने जिद क्यों पकड़ी है। जो आज जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जनता कारण है कि ना किसान कारण है। ऐस करके इन्हों नहीं करना चाहिए। आपको लगता है सर SYL पर अब बातचीत कर रहे हैं? बादल पहुंचे थे, हमारे सभी सब हैं।
मनजिंदर जी से। हरसिमरत कौर आप उधर चलो ना, ये पकड़ते रहेंगे मनजिंदर की बाइट। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी मानवता को एक बहुत बड़ी कमी आई है कि जिस इंसान ने अपना सारा जीवन इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, मानवता के लिए लगा दिया, आज ऐसे इंसान का दिल इतना दुखी हुआ कि जिन इंसानों ने सरकारें बनाई हैं अपनी देखभाल के लिए, वो इंसानों की इनह्यूमैनिटी देख के आज बाबा जी का इतना दिल दुखा कि ये उनको कदम उठाना पड़ा। इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी इस सरकार को हिला के जगाने के लिए, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अपने ही लोगों के ऊपर सरकार इतना जुल्म की, इतने सर्दी के मौसम में छोटे बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं और आपको परवाह ही नहीं। ये बेपरवाही वाली सरकार को जगाने के लिए बाबा जी ने जो ये कदम उठाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ 30 लोगों की शहादत हो गई है इस ठंड के मौसम में, कोई उन्होंने गुनाह नहीं करा था, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, जो उनकी तरफ नहीं सुना था। एक भगवान का नाम जपने वाले आदमी जो इतने दुखी होकर, एक इंसान ने ये अपनी हत्या करी है, जी ये भी किसी का हृदय नहीं पिघलाएगा तो फिर वो पत्थर दिल ही नहीं। उनके दिल के बारे में हरियाणा सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं, SYL का पानी ना भूल जाएं, आपको नहीं लगता इसमें ये बात नहीं करनी चाहिए? यही तो मैं बात कर रही हूँ कि ये लोगों की इंसानियत मर गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.